measurement of wire size and standard wire gauge outside micrometer. नेसेसिटी ऑफ मेजरिंग द वायर साइज, वायरिंग कार्य करने के लिए एक उच्चतम योजना बनानी पड़ती है। मकान मालिक की आवश्यकताओं को समझने के पश्चात वायरमैन वायरिंग का एक नक्शा तथा वायरिंग वस्तुओं तथा श्रमिकों के खर्चे का ब्यौरा तैयार करता है। एक उचित योजना में प्रत्येक लोड में लगने वाले धारा केबल का उचित आकार एवं प्रकार तथा आवश्यक मात्रा का उल्लेख होता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि से दोषित वायरिंग अग्नि दुर्घटना के परिणाम को मकान मालिक और वायरमैन दोनों को असंतुष्टि होता है। केबल के आकार के चयन में वायरमैन को प्रस्तावित लोड, भविष्य में लोड में किए जाने वाले परिवर्तन, केबल की कुल लंबाई तथा केबल में सहने योग्य उल्टा पात आदि का ध्यान रखना चाहिए। एक वायरमैन को अपने पद में सफलता प्राप्त करने के लिए क्रोड के अनुप्रस्थ काट चालक के एक लड का व्यास, प्रत्येक मानक चालकों के क्रोड में चालकों की संख्या आदि का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। एक चालक का आकार ज्ञात करने के लिए वायरमैन मानक वायर गेज अथवा बहुत सही परिणाम के लिए बाय माइक्रोमीटर का प्रयोग कर सकता है। वायर को विनिर्माताओं द्वारा बहुत ध्यानपूर्वक आकार दिया जाता है। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो केबल को उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को मिलीमीटर वर्ग में विशिष्ट करता है, तथापि विनिर्माता एक लर्ड केबल में तार की संख्या, प्रत्येक तार का व्यास आदि को ध्यान में रख केबल बनाता है। कभी कभी विनिर्माता द्वारा दर्शित केबल का आकार सही नहीं होता है, तब वायरमैन को माप के आधार पर आकार सुनिश्चित करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG एक चालक का आकार मानक वायर गेज द्वारा दर्शाया जाता है। मानक के मुताबिक प्रत्येक संख्या का एक परिकलित माप इंच MM होता है, जो कि तालिका 1 में प्रदर्शित है। पिक्चर 1 में दिए गए मानक वायर गेज से 0 से 36 तक SWG नंबर में वायर आकार मापा जा सकता है। यह बात ध्यान में रखना जानना चाहिए कि जितना बड़ा गेज होगा उतना वायर का व्यास छोटा होगा। इसे ही SWG वायर बोला जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। यह स्लॉट है, स्लॉट ऑफ द वायर गेज, और इस तरह से यह स्लॉट है, और यह बेयर कंडक्टर्स। इस तरह से टोटल इसमें 36 है, जैसे कि 1 2 इस तरह से स्टार्ट होता है, और टोटल हमारा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 36 इसका SWG होता है। उदाहरणार्थ 0.0 SWG 0.32 इंच अथवा 8.23 mm व्यास का होता है, जबकि 36 SW 0.0076 इंच या 0.19 mm व्यास का होता है। वायर को मापते समय वायर साफ होना चाहिए तथा उसे वायर गेज के खांचे में रखना चाहिए। SWG नंबर पिक्चर 2 में जिसे खांचे से वायर बिल्कुल ठीक बैठता है वही खांचा सही है, अथवा उसका SWG नंबर सीधा पढ़ लेना चाहिए। अधिकांश वायर गेज में तालिका के संदर्भ की परेशानी से बचने के लिए गेज के पिछले भाग पर ही वायर का व्यास खुदा हुआ होता है। यह जो है आपका इंसुलेशन है, बेयर ऑफ कंडक्टर। इस तरह से इसको चेक किया जाता है, कंडक्टर जस्ट स्लाइडिंग इन स्लॉट SWG नंबर 12। एक अमेरिकन वायर गेज ब्रिटिश मानक वायर गेज से भिन्न होता है। अमेरिकन वायर गेज SWG में व्यास इंच या MM के बदले मील से दर्शित होता है। एक मील एक इंच का 1000वीं भाग होता है। कृपया नोट करें कि AWG से SWG में बदलने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं है। अमेरिकन वायर गेज AWG
अमेरिकन वायर गेज ब्रिटिश मानक वायर गेज से भिन्न है। अमेरिकन वायर गेज AWG में व्यास का प्रतिनिधित्व मेज में होता है, न कि अपेक्षित में होता है। इंच या MM 1 मील या इंच 1000 में वहाँ का हिस्सा। कृपया ध्यान दें कि AWG से सीधा SWG में कोई बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। 7x0 SWG में 12.7 mm होता है। 0.500 इंच 7x0 में SWG में 11.38 mm 0.464 इंच 5x0 में 10.92 mm और 0.432 और 4x0 SWG में 10.16 जो होता है 10.92 या जो है mm है 0.432 या इंच है। 4x0 SWG में 10.16 mm और 0.400 यह इंच है। 3.0 का SWG का 9.44 mm और 0.372 इंच है। 2x0 का 8.83 या mm है और 0.348 या इंच है। 0SWG का 8.23 mm होता है और 0.324 इंच होता है। 1SWG का 7.62 जो होता है mm और 0.300 इंच होता है। 2SWG का 7.0 mm और 0.276 या इंच। 3SWG का 6.40 यह होता है mm, 0.252 यह होता है आपका इंच होता है। 4SWG का 5.89 mm और 0.234 इंच। 5SWG का 5.34 mm और 0.212 इंच होता है। 6SWG का 4.88 mm और 0.192 इंच। 7SWG का 4.47 mm और 0.176 जो होता है इंच होता है। 8SWG का 4.06 mm और 0.160 इसका होता है इंच होता है, क्या होता है इंच। और 10SWG का 3.25 mm और 0.128 इंच होता है इंच। 11SWG का 2.95 mm और इसका 0.116 यह इंच होता है। 12SWG का 2.64 mm और 0.104 यह इंच होता है। 13 का 2.34 जो होता है mm और इसका जो होता है 0.092 इंच होता है। 14 का होता है 2.03 mm और इसका इंच होता है 0.080। 15 का SWG का 1.83 mm और 0.072 या इंच होता है। 16 का 1.63 mm और 0.064 इंच होता है। 17 का 1.42 mm और 0.056 इंच होता है। 18 का जो होता है 18 का वह 1.22 mm और 0.048 इंच। 19SWG का 1.02 mm और 0.040 इंच होता है। 20SWG का 0.91 mm और 0.036 इंच। 21SWG का 0.81 mm और 0.032 इंच। 22 का 0.71 mm और 0.028 इंच होता है। 23SWG का 0.61 mm और 0.024 इंच। 24 का 0.56 mm और 0.022 इंच। 25 का 0.51 mm और 0.020 इंच। 26 का जो होता है 0.46 mm और 0.018 इंच। 27 का 0.42 mm और 0.0164 इंच। 28 का जो होता है 0.38 mm
और 0.0148 इंच, 29 का 0.34 mm और 0.0136 इंच होता है, 30 का 0.31 mm और 0.0124 इंच होता है, 31 का जो होता है 0.29 mm और 0.0116 इंच होता है, 32 का 0.27 mm और 0.0108 इंच होता है, 33 का जो होता है 0.025 mm और 0.0100 इंच होता है, 34 का 0.23 mm और 0.0092 इंच, 35 का 0.21 mm और 0.0084 इंच, 36 का 0.19 mm और 0.0076 इंच, 37 का 0.17 mm और 0.0068 इंच, 38 का 0.15 mm और 0.0060 इंच, 39 का 0.13 mm और 0.052 इंच, 40 का 0.12 mm और 0.0048 इंच, 41 SWG का 0.11 mm और 0.0044 इंच, 42 का 0.10 mm और 0.0040 इंच, 43 का 0.09 mm और 0.0036 इंच, उसकी बाद 44 का 0.08 mm और 0.0032 इंच, 45 का हो जाएगा उसी तरह से 0.07 mm और 0.0028 इंच, 46 का 0.06 mm और 0.0024 जो हो जाएगा वह इंच, 47 का 0.05 mm और इसका जो हो जाएगा 0.0020 इंच, 48 का 0.04 mm और 0.0016 इंच हो जाएगा, 49 का हो जाएगा 0.03 mm और 0.0012 इंच, 50 का 0.02 mm और 0.0010 इंच हो जाएगा।